हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, तो घर पे होंगे। तो यार, आपको पता ही है यार, सबसे लाइटिंग सेल की स्पेस घटी है यार, तब से सब लोग यार उसे यूज़ कर रहे हैं यार। वैसे ये लाइटिंग सेल बहुत ओपी भी हो चुके हैं यार, मैं आपको दिखाऊंगा यार कितने ओपी हो चुके हैं। और आज हम अटैक करने वाले हैं कि अच्छे स्पेल, मतलब कि इनके कुछ अच्छा हुआ है या नहीं भी। ऐसा तो हुआ ही है यार कि हम 8 लाइटिंग सेल लेके जाएंगे। एक हम लेके जाएंगे हमारा पॉइजन, एक सीसी में फ्रीज और एक इलेक्ट्रोडेगन। तो चलते हैं इसके बाद अटैक पे यार, कोई बेस ढूंढने चलते हैं। और ये हमें पहला ही वेस्ट टाउन हॉल मिल चुका है और हम इस पर अटैक करने वाले हैं। हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। और ये हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश की है जो कि नहीं निकल पाई, पर फिर भी यार 2 AD हमारे जा चुके हैं। तो अब हम करने वाले हैं अटैक। हमने थोड़े से साइड से ड्रैगन छोड़ दिए हैं ताकि हमारा क्लीन अप हो जाए और हमारे ड्रैगन सीधा अंदर जाएं। एक मून और पीछे से एक और ड्रैगन। अभी तक तो सब ठीक जा रहा है यार, ड्रैगन अच्छी वैल्यू निकाल रहे हैं साइड बेस साइड से। और दो दो ड्रैगन हम छोड़ देंगे और बाकी सारे ड्रैगन छोड़ देंगे। अब तीनों हमारे लूंस इस पर अभी वेट करेंगे। और हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन छोड़ देते हैं साइड से किंग क्वीन, ताकि वो साइड से क्लियर करके थोड़े डिफेंस वगैरह सब कुछ क्लियर कर लें, ताकि हमारे ड्रैगन सीधा अंदर जाएं। अभी तक बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे ड्रैगन। हमारा ड्रैगन भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है अभी तक। इसके ऊपर हमारे ड्रैगन काफ़ी काम कर रहा है, तो देखते हैं फिर भी हम। एक क्वीन मरने वाली है, क्वीन की एबिलिटी भी वेट करेंगे थोड़ी सी। क्वीन की एबिलिटी पॉप कर देते हैं। क्या ये 3 स्टार हो पाएगा? वही तो लगता है, हो गया यार, ये 3 इजी 3 हो गया यार। देख सकते हैं आपको भी कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है यार, बड़े इजीली किसी भी टाउन हॉल में आपको 3 कर सकते हैं आप। मैं बाकी टाउन हॉल के लिए बनाने की भी कोशिश करूँगा, तो बाकी टाउन हॉल के लिए भी कैसे यूज़ करना है। पर अभी TH9 के लिए आप देख सकते हैं यार, काफ़ी ओपी स्ट्रेटजी है। और आपको एक और तक बात करनी थी, और यार एक और अनाउंसमेंट करनी थी मैंने कि यार हम कई लोगों की डिमांड पर डाउन हॉल रेट के लिए वो स्ट्रेटजी है शायद रात तक ला लेंगे। तो उसके लिए भी हम स्टे ट्यून रहना, ताकि हम आपको दिखा सकें कि डाउन हॉल रेट में काफ़ी अच्छी वो स्ट्रेटजी है। आप हमारी प्रेस थ्री कर सकते हैं डाउन हॉल रेट का, मैं वो रात को डाल दूंगा, वो भी ज़रूर देखना यार। और आपको उम्मीद करता हूँ अब तक वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसके बाद हम एक या दो अटैक और करेंगे। हमारी आर्मी अभी ट्रेन हो गई है, तब तक वेट करते हैं थोड़ा सा। वो सोनी वाली आर्मी ट्रेन हमारी, इसके बाद चलेंगे अटैक में। तो चलते हैं वही अटैक में। मैं बस जो भी पहला टर्न 9 का 20 बन जाएगा उस पर अटैक करेंगे। तो ये मिल गया हमें बेस यार, पे अटैक करने वाले हैं अब हम। एडी निकाल लेंगे और पीछे से जैसा टावर भी निकल जाएगा, तो हमने पीछे निकाल ली, बहुत अच्छा हुआ। और ये हमें क्वीन भी मिल गई यार भाई, बहुत अच्छा हुआ यार। ट्रैक में और यार ट्रैक छोड़ दिया,
बात नहीं, हम इस नीचे अटैक करेंगे फिर भी, वो पीछे देख के क्लीन अप कर देगा, कोई बात नहीं। दो ही हैं जो कि बहुत नज़दीक हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जल्दी, और एयर स्ट्राइक पर भी काफ़ी क्लोज है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें यार। अभी थोड़े टाइम में बस अपने साथ ट्रैकिंग छोड़ने वाले हम, और ये हमने ट्रैकिंग छोड़ दिया सारे, पीछे से हमारे लोन्स, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, इन्हीं छोड़ देते हैं, इनकमिंग किस टाइम से छोड़े हैं, और ये पीछे पर हमारा जा चुका है, इनकमिंग अभी शायद थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देख लीजिए बड़ी इजी फ्री हो जाएगा ये बेस भी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है इस बेस में, अब ड्रैगन को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये एक्सपो ड्रैगन बड़ी इजी इसको निकाल देगा, ये बेस बहुत इजी फ्री हो सकता है, वो भी गया, ये बेस तो बड़ी इजी फ्री है यार। तो यार आप देख सकते हैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप सबको भी ट्राई करनी चाहिए, ये जब से लाइटिंग स्पेल की सीरीज करती है ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है, टाउन हॉल 12-10 के लिए तो ये और भी ओपी हो चुकी है, वह चारों एडी हम फोर दे सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर ट्राई करके देखना, मैं उसकी वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्द। और ये किंग एबिलिटी पॉप कर दी हमने, और ये क्वीन एबिलिटी पॉप कर, ये देखिए यार बड़ी इजी लग रही है हमने ये बेस भी, देखिए यार तो हमने बड़ी इजी लग रही है, तो चलते हैं फिर अटैक पे, आते हैं जब हमारी ट्रूप होंगी के बाद मिलते हैं आपको, हमारी ट्रूप ट्रेन हो चुकी है अभी यार, मेरा मूल मेरे जो सी जी की रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो वेट करते हैं तो किसी मिल जाए, तो लोगों को भी मिल चुका है, चलते हैं अटैक पे, जो पहला टाउन हॉल लॉकर बेस मिलेगा उस पर अटैक कर देंगे, तो ये मिल चुका है हमें बेस, थोड़ा देखना पड़ेगा यार इस पर, ठीक है साइड से दूर ड्रैगन ताकि वो थोड़ा सा क्लियर कर सके और हमारे ड्रैगन से दूर मिल जाए, काफ़ी अच्छा काम कर दिया हमारे ड्रैगन ने, ड्रैगन छोड़ देंगे पीछे से, हमारा ईडी जैसे क्वीन काफी सही जा रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, किंग एबिलिटी क्वीन एबिलिटी चेंज कर देंगे उसकी को, काफ़ी सही जा रहा है यार अब तक तो अटैक, देख सकते हैं भाई यार आप इधर कहीं बेस में हमने चेंज कर दिया, रात को भी सोच लेंगे जैसा नो बेस बेस को किसी को बेस पर डाउन होने के चेंज ना इनके चेंज कर सकते हैं यार, तो हम लोग तो कर ही सकते हैं यार, बट ये जरूरी स्ट्रेटेजी ट्राई करना है यार, आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान एक दो बस
थोड़ा सा कलर बनाना है और पीछे से बस टू स्पैम कर देनी है, फिर से किंग क्वीन छोड़नी है, बस हो जाएगा बेस बढ़िया की। भाई क्वीन मर चुकी है पर कोई बात नहीं, ये बेस हो जाएगा हमारा AD3। आई चीज़ें रहेंगी पर कोई बात नहीं, जाएंगे टाइम काफ़ी बड़ा है। यार टू टाइम में से मूवमेंट उसका काफ़ी स्लो बढ़ रहा है कंपेयर नहीं, देख लो काफ़ी लेट पहुँचता है वो, पर कोई बात नहीं यार बड़ी इजीली फ्री हो जाएगा ये बेस, काफ़ी टाइम पड़ा है। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सबको यार ये वीडियो पसंद, मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी यार, अगर पसंद आते हैं तो यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार अगर सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हौसला मिलता है यार नई वीडियोस और बनाने का। तो बस आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं।